अब हम लोग स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ेंगे। एवरी वेरिएबल इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हैज टू प्रॉपर्टीज टाइप एंड स्टोरेज क्लास। जितने भी सी प्लस प्लस में वेरिएबल है उनके दो प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला टाइप और दूसरा स्टोरेज क्लास। टाइप रेफर्स टू द डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। जो टाइप क्या है वो बताता है कि किस डाटा टाइप का है वो वेरिएबल, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। एंड स्टोरेज क्लास डिटरमाइन द स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। और जो स्टोरेज क्लास है वो बताता है उसका स्कोप कहाँ तक है, कहाँ तक उसका विजिबिलिटी है, कहाँ तक उसका लाइफ टाइम है, ये बताता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक, ग्लोबल, स्टेटिक और रजिस्टर। इसके चार टाइप है सब, उनके बारे में जानते हैं। पहला है लोकल वेरिएबल। द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए ब्लॉक आर ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल। वैसा वेरिएबल जो कि किसी ब्लॉक के अंदर, किसी लूप के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर बनाया जाता है, लोकल वेरिएबल बोला जाता है। द लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। लोकल वेरिएबल क्या कहता है, जिस ब्लॉक के अंदर बनाया गया, जैसे कोई फॉर लूप के अंदर बनाया गया या किसी फंक्शन के अंदर बनाया गया तो उतना ही दूर तक एक्सेसिबल होता है। उसको बनाने के लिए बस आप जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं ना, वही लोकल वेरिएबल हो गया। उसके पहले आप आउटो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। इसका बस सेंस यही रहता है कि जिसके चीज़ के अंदर, जिस भी ब्लॉक के अंदर बनाइएगा उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। चलिए एग्जांपल में एक बात दिखाता हूँ। एक फाइल का नाम बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ, उसका स्टोरेज ex.cpp, बेसिक C++ का कोड है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख लूँगा ये सब, यूजिंग नेम स्पेस std int main करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस रिटर्न 0। ये देखिए बेसिक सी प्लस प्लस का कोड आ गया। यहाँ पे गलती है, आईओ स्ट्रीम str, ठीक है। ये देखिए बेसिक सी प्लस प्लस कोड हो गया। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन 2 किया, फिर आई प्लस प्लस। इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और ए बराबर लिखा 20, ठीक है। मैं सी आउट करूंगा, ए प्लस आई, ए जितने भी होगा मतलब ए में जितना भी आई का वैल्यू होगा जोड़ कर मैं रिटर्न कर दो, ठीक है, प्रिंट कर देगा वो। अभी सेव करूंगा और रन करूंगा, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये देखिए 20 21 दोनों एक ही में सटा हुआ आ गया, इंडल लगा लेता हूँ। अब देखिए 20 और 21 समय आ गया, ठीक है। अब इसी ए को मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप के बाहर एक्सेस करने का कोशिश करूँगा, क्या हमें एक्सेस होगा। सी आउट करूँगा और इस ए को प्रिंट करूँगा, ठीक है, नया लाइन लगाऊंगा, एंडल किया तो नया लाइन हो जाएगा इसमें ऐड। अब मैं रन करता हूँ तो अभी देखिए रन करूँगा तो हमें एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर बना है, इसका स्कोप फॉर लूप के अंदर ही है। अगर मैं इसको कट कर कर फॉर लूप के बाहर मेन फंक्शन के अंदर बना दूं, अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो देखिए ये हमें प्रिंट होकर फिर से दिख गया। यानी कि अब देखिए, अब मेन फंक्शन के अंदर जितने भी होंगे फंक्शन या लूप जितने भी होंगे सभी एक्सेस कर सकते हैं, पर ये मेन फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। मेन फंक्शन के बाहर कोई एक फंक्शन बनाऊंगा, जैसे void चेंज के नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ऊपर डिक्लेयर किया, यहाँ पे नीचे डिफाइन कर लेता हूँ void चेंज, और इसमें क्या करूँगा सी आउट कर दूंगा ए प्लस 30, ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ सी चेंज जी चेंज, सेव करूँगा और रन करूँगा तभी हमें एरर आएगा क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं है। अगर मुझे मेन फंक्शन के बाहर एक्सेस कराना है तो कैसे एक्सेस कराएंगे, चलिए आगे पढ़ते। अब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। वैसा वेरिएबल जो कि सभी फंक्शन के बाहर यानी मेन फंक्शन के भी बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसको ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है। दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनी फंक्शन इन साइड द प्रोग्राम। वो क्या करता है कि सभी फंक्शन, सभी लूप उसको एक्सेस कर सकता है। उसको बस बनाने के लिए मेन फंक्शन जहाँ पे शुरू होता है ना, उसके पहले मेन फंक्शन के बाहर उसको डिक्लेयर किया जाता है, मतलब हेडर फाइल जहाँ पे बनता है ना उधर ही बस एक जो भी नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वो बना दीजिए, वो ऑटोमेटिक ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा।
यही था। अभी देखिए हमारा एरर ए आ रहा था ना, तो इस ए को यहाँ पर से कट करता हूँ, उसको ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं सेव करूंगा, रन कर दूंगा, तो देखिए मुझे 50 आ गया। ए हमारा 20 था, उसमें 30 जोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रजिस्टर के बारे में। द रजिस्टर ऑफ स्टोरेज क्लास इज यूज टू सजेस्ट टू द कंपाइलर दैट ए वेरिएबल शुड बी स्टोर इन ए सीपीयू फॉर फास्टर एक्सेस। जब हम लोग किसी वेरिएबल के पहले रजिस्टर लिख देते हैं और वेरिएबल बनाते हैं, तो वो क्या करता है, वो कंपाइलर को बताता है कि उसको डायरेक्ट रजिस्टर में एक्सेस करो। हाउ एवर मॉडर्न कंपाइलर आर इजली इफिशियंट एट ऑप्टिमाइजेशन वेरिएबल स्टोरेज, सो द यूज ऑफ रजिस्टर इज ऑप्टन अननेसेसरी एंड कंपाइलर में इग्नोर इट। क्या होता था, पहले हम लोग क्या करते थे पहले के टाइम में, कि हम लोग रजिस्टर के थ्रू अगर वेरिएबल को एक्स स्टोर कराते थे तो फास्टली एक्सेसिबल होता था। पर मॉडर्न इतना कंपाइल ऑप्टिमाइज हो गए हैं कि इसका यूज अब होता ही नहीं है। पर हाँ, हो सकता है एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में इसका उपयोग हो, तो उसके बनाने के लिए वेरिएबल के लिए बस नॉर्मल जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसके पहले रजिस्टर लिख दीजिएगा, तो डायरेक्ट रजिस्टर में ऐड होगा। इसका कोई एग्जांपल नहीं, बस जो नॉर्मल कोई वेरिएबल बना उसके आगे रजिस्टर लिख दीजिए। अब हम लोग स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, उसको डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल पहले स्टैटिक लगाना पड़ता है। स्टैटिक वेरिएबल इन सी प्लस प्लस आर इनिशियलाइज्ड विद 0 बाय डिफॉल्ट। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होता है, एंड दियर स्कोप इज लिमिटेड विद इन पैरेंट ब्लॉक विच आर लोकल स्टैटिक वेरिएबल। और इसका स्कोप होता है जिस भी आप ब्लॉक के अंदर बनाएंगे उसका, उसी के अंदर उसका स्कोप होता है। यू कैन क्रिएट ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफाइनिंग देम एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। और इसको आप ग्लोबली बना दीजिएगा तो पूरे प्रोग्राम में वो चलेगा। और एक बात याद रखिएगा कि इसका जो लाइफ टाइम होता है, कि जब तक पूरा प्रोग्राम एंड नहीं होगा तब तक उसका लाइफ टाइम रहता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे क्या किया गया है, एक डिस्प्ले नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, फिर मेन फंक्शन में 2 बार कॉल किया गया। फर्स्ट बार जब कॉल हुआ तो इस फंक्शन में आएगा एक इंटीजर टाइप का सी नाम का स्टेटिक टाइप का आपको एक वेरिएबल बनाया गया है, जो कि स्टेटिक इंटीजर टाइप का सी नाम का वेरिएबल है जिसको 1 से इनिशियलाइज किया गया। फिर क्या किया गया, सी बराबर सी प्लस 10 किया गया, मतलब कि सी अभी 1 है प्लस 10, यानी 1 प्लस 10 11, तो प्रिंट हो जाएगा क्या 11। ठीक है, फिर से अब ये तो एक बार फंक्शन कॉल हुआ, एक खत्म, फिर दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ डिस्प्ले की मदद से, फिर ये आएगा। तो इस बार सी बराबर 1 से इनिशियलाइज नहीं होगा, नहीं, पिछला पे बढ़ा था 11, 11 हुआ था ना, तो 11 प्लस 10, तो इस बार 21 आएगा। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। काम करता हूँ, इसमें का सारा कोड हटाता हूँ और वही फंक्शन का नाम रहने दूंगा, यही चेंज रहेगा। ठीक है, और इस चेंज फंक्शन को मैं 2 बार कॉल करूँगा मेन फंक्शन में। ठीक है, दोबारा मैंने कॉल कर लिया, और एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए बराबर बनाता हूँ, क्या 1 दिया, फिर क्या करो ए बराबर ए प्लस 10 करो, फिर सी आउट कर दो ए को, फिर एंडल लगा दो। ठीक है, अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए 11 और 21 आउटपुट आ गया, मतलब जहाँ से एक बार बढ़ गया ना फिर दोबारा वहीं से शुरू होगा। अगर मैं स्टैटिक नहीं लगाता, स्टैटिक हटा दूंगा, तो वो शुरू से इनिशियलाइज करेगा। देखिएगा दोनों बार 11 आएगा, दोनों बार 11 क्यों आया, ये 11 21 वाला तो मैंने फिर पहले समझा दिया था, पर 11 11 इसलिए आया, अब ये मैं समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट बार ये फंक्शन चला तो इधर आया, ए बराबर 1 था, तो क्या किया 1 प्लस 10 11 प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये फंक्शन खत्म, फिर ये चला, दोबारा हमने फंक्शन को कॉल किया तो फिर से ए बराबर 1 से इनिशियलाइज हुआ, फिर 1 प्लस 10 फिर प्रिंट हो गया 11। ठीक है, जबकि स्टेटिक हम लोग लगाते हैं तो स्टेटिक का लाइफ टाइम रहता है, जब तक कि मेन फंक्शन एंड नहीं होगा तब तक उसका लाइफ टाइम रहेगा। अभी मैं सेव करता हूँ, स्टेटिक लगाया था, सेव किया, अब रन करूँगा, 11 और 21 आ गया, यानी कि एक बार आया तो शुरू में 1 था, 1 प्लस 10 11 हो गया, तो यानी 11 अभी हो चुका है। और दोबारा भी अगर कॉल हुआ
तो क्या होगा, 11 से होगा, 11 फिर प्लस 10 होगा, तब ये जाके 21 आउटपुट आएगा। एक और वेरिएबल के बारे में बताता हूँ जो कि कांस्टेंट वेरिएबल होता है, मैंने सीरीज में अब तक नहीं पढ़ाया, तो इसी में बता देता हूँ, इस सब में अभी हटाता हूँ, हटाया ठीक है। जैसे कि मैं इंट एक्स बराबर 5 किया, ठीक है, अगर मैं सी आउट करूँगा, सी आउट करूँगा और एक्स को और इंडेल लगाऊंगा, सेव करूँगा और रन करूँगा, तो एक्स हमें, सॉरी INT होना चाहिए, इंटीजर टाइप का ना, तो हमें प्रिंट होकर 5 मिलेगा। अगर इसको मैं एक्स को यहाँ पे 10 बढ़ा दूँ तो मैं 10 बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो इस बार हमें 10 प्रिंट होकर मिलेगा। पर इसको अगर मैं हटाऊँ और इसके पहले कॉन्स्ट लगा दूँ, कॉन्स्टेंट वेरिएबल हो जाएगा, अभी मैं सेव करूँगा रन करूँगा तो 5 आएगा, ठीक। पर इसको मैं मॉडिफाइड करना चाहूँ, एक्स बराबर मैं 10 करना चाहूँगा तो नहीं कर सकता हूँ, देखिए एरर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल है। वैसे अगर मैं कांस्टेंट हटा दूंगा तो हमारा चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट वेरिएबल का प्रयोग वहाँ पे कीजिएगा जहाँ पे चाहिए कि इसका वैल्यू चेंज ना हो, जैसे कि पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14 होता है तो कभी चेंज नहीं होता है, तो हम लोग उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं।